अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करेंगे सियालकोट के सबसे मशहूर एरिया की यानी सियालकोट कैंट की। जिनाह स्टेडियम के पुल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उतरकर हम सीधा जाएंगे सियालकोट कैंट की तरफ। ये चारों अतराफ के नज़ारे आपकी बसारतों के नज़र करते चलेंगे और फिर फाइनली हम सियालकोट कैंट में पहुँच कर उसको विज़िट करेंगे। सियालकोट कैंट को हम एक वीडियो में नहीं बल्कि इसके दो तीन पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर व्यूवर्स का इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमने वीडियो को दो तीन हिस्सों में डिवाइड करने का फ़ैसला किया है। दोस्तों, ये सियालकोट का मशहूर कैंटोनमेंट प्लाजा है। यहाँ पर आपको काफ़ी ब्रांड्स की शॉप्स मिल जाएंगी और खाने के लिए भी आप ग्रिल एंड थ्रिल का विज़िट कर सकते हैं। ये मशहूर मुकाम पेड़पुली है, ये भी काफ़ी लोग जानते होंगे पेड़पुली के बारे में। ये लेफ़्ट साइड पर आप नईम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का काफ़ी ऊँचा लंबा प्लाजा देख सकते हैं और राइट साइड पर यह गोरमे बेकरी और साथ ही इदरीस हॉस्पिटल है। सियालकोट के बेस्ट हॉस्पिटल में से आप इसको गिन सकते हैं और छुरों वाला भी आप गिनेंगे, काफ़ी महंगा है। ये उमर चरगाह हाउस आपने देखा और ये प्लाजे हैं। आपको पता है सियालकोट कैंट की रौनक के चका चौंध ही सबसे ज़्यादा मुनफरिद हैं। पूरे सियालकोट में अगर आपने इंजॉयबल मुकाम देखने हैं तो आप यकीनन सियालकोट कैंट का रुख करेंगे। यहाँ पर आपको हर किस्म की वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको नौ अकसाम के शॉपिंग सेंटर्स, खाने के लिए रेस्टोरेंट्स और हर किस्म की आपको एंटरटेनमेंट यहाँ से मिल जाएगी। ये हम आगे बढ़ते हुए, रेट्रो पिज़्ज़ा है, ये काफ़ी मशहूर है सियालकोट के अंदर। रेट्रो वालों का पिज़्ज़ा, डोनर पिज़्ज़ा अच्छा होता है। ये लेफ़्ट साइड पर एक काफ़ी पुराना मकान है, ये भी सियालकोट कैंट की रौनक है। आगे बढ़ते हैं तो ये इस चौक को देखते हैं, ये काफ़ी मशहूर चौक है। यहाँ पर कैंट का थाना है और ये हम उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते जाते हैं। रास्ते में दोस्तों आप लेफ़्ट और राइट पर मुलाहजा कर सकते हैं कि काफ़ी किस्म की दुकानें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। यह है सियालकोट कैंट का थाना, ये बहुत ही ज़बरदस्त थाना है और सियालकोट का सबसे अप टू डेटेड थाना इसे बोल सकते हैं आप। ये शॉपिंग सेंटर्स देख सकते हैं और ये आप मॉडर्न आर्किटेक्चर की मस्जिद आप देखें और सामने आपको हमारे सियालकोट की शान घंटाघर नज़र आ रहा होगा। ये लेफ़्ट साइड पर शॉपिंग की दुकानें हैं। ये आगे सरदार शूज़ वाले आ रहे हैं, इनके लेदर के बने हुए शूज़ काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं, मैं ख़ुद भी इनके शूज़ इस्तेमाल करता हूं और ये काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी होती है। आगे आप मज़ीद देख सकते हैं कि ये भी एक पुरानी और क्या कहते हैं ये क्लासिक किस्म की बिल्डिंग है और ये क्लासिक के साथ साथ आप मॉडर्न किस्म के आर्किटेक्चर्स और दुकानें देख सकते हैं और सामने आपको सियालकोट का सबसे मशहूर और मरूफ मकाम और सियालकोट की शान क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों, हम फाइनली सदर बाज़ार की सैर करते हुए क्लॉक टावर के पास पहुंच गए हैं। घंटाघर के नज़ारे और सदर बाज़ार की रौनक आपकी बसारतों की नज़र, उम्मीद है आप इसे खूब इंजॉय करेंगे। दोस्तों, ये 1947 से पुरानी बिशंबर दास एंड सन्स वालों की बिल्डिंग है। ये काफ़ी मशहूर मर्चेंट हुआ करते थे सियालकोट के अंदर। ये पार्टीशन के बाद चले गए हिंदुस्तान और ये बिल्डिंग आज भी अपनी शान और शौकत के साथ सियालकोट कैंट के अंदर मौजूद है।
ये सियालकोट कैंट सीरीज़ का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट भी इंशाल्लाह हम जल्द ही लेकर आएंगे, जिसमें आपको सियालकोट की लग्जूरियस लाइफ दिखाएंगे। उसमें आपको अलीट किस्म के शॉपिंग सेंटर्स, प्लाजे और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह दिखाएंगे, आपकी बसारतों की नज़र करेंगे। उम्मीद है उसको भी आप खूब इंजॉय करेंगे और पसंद करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।